खुश रहने का सबसे आसान तरीका है बिना किसी बाहरी वजह के आनंदित रहना। बेकार लोगों की परवाह करना बंद कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग दूसरों को कभी खुश नहीं देखना चाहते हैं। हर परिस्थिति को हल्के में लेना सीखो, बिना किसी वजह के या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करो। हर किसी से उम्मीद रखना दुखों का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए दूसरों से बेकार की अपेक्षा न करें, क्योंकि जितने कम दूसरों से अपेक्षा होंगी उतना ही दुख कम होगा। बेकार की चीज़ों को जीवन में एकत्रित न करें, क्योंकि अधिक चीज़ें भी दुखों का कारण होती हैं। जितनी चीज़ों की आवश्यकता हो उतनी ही रखनी चाहिए। बिना शर्त के माफ़ करना सीखें। यदि किसी से गलती हो जाती है तो उसे बिना शर्त के माफ़ करना सीखें। इससे हमारे मन में सकारात्मक भाव आते हैं। आपके पास जो भी है, जैसा भी है, उसे स्वीकार करना सीखें। इससे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ऊपर वाले के द्वारा दी गई प्रत्येक चीज़ के लिए उनका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जो आज हमारे पास है बहुतों के पास वो भी नहीं है। जैसे हर रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह दुख के बाद खुशी अवश्य आती है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखिए। जुड़े हुए बुरे पलों को अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि ये वो पल होते हैं जो आपके वर्तमान को भी नष्ट कर देते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, ये सोचना बंद करें, क्योंकि लोग वो सोचेंगे जो उनको सोचना है। ये सोचना आपका काम नहीं है। ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, बस तुम हिम्मत मत हारना, क्योंकि समय हर जख्म को भर देता है। क्या हुआ अगर तुम्हें अपनों ने नहीं समझा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब उन्हें तुम पे नाज होगा। अच्छा समय और बुरा समय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी ज़रूर आएगा। आप अपने जीवन की तुलना दूसरों से न करें। दुनिया में हर इंसान अनोखा है। अगर आप जिंदगी में खर्च करना चाहते हैं तो पहले कमाना सीखिए। अगर आपको कमाने और खर्च करने के बीच संतुलन करना नहीं आया तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। जो लोग आपके ज़िंदगी में जहर भरते हैं, आप खुद को उनसे दूर ही रखो। आपके सुख दुख का कारण कोई और नहीं है सिवाय आपके। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक आप परेशान ही रहेंगे। अपने खुशियों की चाबी दूसरे के हाथ में मत रखिए, कि वो अच्छा करे तो आप हंसे, वो बुरा करे तो आप रोएं। हमेशा दूसरों को सम्मान देने से पहले खुद को सम्मान दीजिए, क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं कर सकता वह दूसरों की भी नहीं कर पाएगा। अपने जीवन में बहानेबाजी के लिए बिल्कुल भी जगह मत रखो, क्योंकि बहाने बनाना हारने वालों की एक आदत होती है। ज़िंदगी में किताबों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए अच्छी अच्छी किताबों को अपना दोस्त बनाइए। जिम्मेदारियों से कभी मुंह मत मोड़िए, जिम्मेदारियों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपके जीवन के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके चाहने वालों के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती है। जीवन में कुछ अच्छे दोस्त बनाइए, लेकिन एक अच्छा दोस्त बनाने से पहले खुद एक अच्छा दोस्त बनिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन वजह ज़रूर होती है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है।